हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हलवा की रेसिपी। ना सूजी ना आटा, आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा। हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें एक कटोरी बेसन ले लिया है। अगर आपके पास मोटा वाला बेसन हो तो आप वो लें, उससे और भी ज़्यादा अच्छा हलवा बनेगा। आधी कटोरी हमने यहाँ पर देसी घी लिया है। घी और बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो मीडियम रखा है। हलवा बनाने के लिए बेसन को, आटे को या सूजी को, जो भी आप हलवा बनाएं, इन्हें धीमी आंच पर ही भूनना है और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है बेसन का, अभी हम इसे थोड़ी देर तक और भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। लगातार इस तरह से हम चलाते रहेंगे। इस तरह से अगर आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। लगभग 15 मिनट तक हमने इसे भून लिया है और बेसन का अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। गैस को हमने बंद कर दिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम बारीक काट लिए हैं और किशमिश ली हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी इसी के साथ में भून लेंगे। लगभग एक मिनट हो गया है, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भून गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे लगभग 2 छोटे चम्मच नारियल का बुरादा। इसको भी इसी के साथ में चलाते हुए भून लेंगे हल्का सा। इसे भी हमने भून लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। 3.5 कटोरी पानी हम इसमें डालेंगे। 1 कटोरी हमने बेसन लिया था, 3.5 कटोरी पानी लिया है। इसको चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। पानी अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम इसे और पकाएंगे थोड़ी देर तक। अभी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। 1 कटोरी हमने शक्कर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद हो। शक्कर को इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे, क्योंकि शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी, तो थोड़ी देर तक इसे और पकाएंगे। लगातार इसको हम चलाते रहेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। फ्लेम को अभी भी हम लो रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे बनाना है, हलवे को हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। बेसन का हलवा जब भी आप बनाएं तो थोड़ा मोटा बेसन हो तो उसका बनाएंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छा दानेदार हलवा बनेगा। हलवे को हमने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है लगातार चलाते हुए। अभी हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। 3 से 4 इलायची को कूट करके मैंने इसका पाउडर बना लिया था, वो इसमें डाल दिया है। इलायची पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है, हलवा हमारा बनकर तैयार है। बारीक कटे हुए पिस्ता से हमने इसे गार्निश कर दिया है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।